ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हो। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड क्रिटिसाइजेबल मूवी आदि पुरुष लगातार अपने पहले 3 दिन की कमाई के बाद डाउनफॉल की खाई में गिरते ही जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर विनिंग आरआरआर इस मूवी ने क्या ग्रोथ करी थी और वो भी क्या अमेजिंग हाउसफुल शोज देकर, न कि सिर्फ सुपर डुपर हिट हुई थी बल्कि बॉक्स ऑफिस में भी भर भर कर कमाई करी थी। तो आज जानेंगे कि दोनों फिल्म में से बेस्ट रिव्यू किसको मिले थे, किसने कितनी कमाई करी है, पहले 3 दिन में सबसे ज्यादा कमाई किसने करी, क्या आदि पुरुष RRR की तरह 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर पाएगी या फिर यूं कहो कि ये हिट लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज करवा पाएगी, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी SS राजामौली और प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आदि पुरुष और RRR दोनों फिल्में रिलीज होने से पहले से ही काफी लंबे समय से ट्रेंडिंग में मूवी रही। बात अगर RRR की करें तो RRR को भी मिक्स रिव्यू और रिएक्शन मिले थे दोस्तों। RRR को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था लेकिन कई जगह मूवी को क्रिटिसिज्म भी मिला था कि क्या बना दिया है, मूवी में स्लो मोशन ही डाल रखा है, इसका कॉन्टेंट ही समझ नहीं आता वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात तो है, SS राजामौली पर सबका भरोसा रहता है कि ये बंदा जब भी आएगा स्टेज पर फाड़ देगा। दूसरा, इस बंदे को अपनी कास्ट पर पूरा भरोसा रहता है और जब ये परफॉर्म करते हैं तो पूरी दुनिया में इनकी परफॉर्मेंस का डंका बोलता है। यस, जिसका जीता जागता सबूत हम नाटू नाटू सॉन्ग में देख चुके हैं। खैर ये तो है, SS राजामौली की मूवी में कंटेंट में इतना लॉजिक और दम तो होता नहीं है लेकिन उनका डायरेक्शन दिस इज द गेम चेंजिंग पार्ट ऑफ यू, उसके बाद स्क्रीन प्ले इज अमेजिंग और मूवी का हाइप आसमान में पहुंचा देने वाला, ये इनसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन एक बात तो है, SS राजामौली की फिल्में हॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर देती हैं और ये बंदा आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा की औकात भी बदल के रख देगा डेफिनेटली। दोस्तों क्रिटिक्स का कहना था कि अगर आदि पुरुष SS राजामौली बनाती तो मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट होने से किसी का बाप नहीं रोक पाता। बात करें RRR की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों मूवी ने भर भरकर कमाई करी थी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया से अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 1200 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी, जिसमें से इंडियन नेट ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही मात्र 915 करोड़ की करी थी और ओवरसीज से लगभग 314 करोड़ की करी थी, वो भी 550 करोड़ के खर्चे में मूवी का बजट निकाल गया। लेकिन दूसरी तरफ आदि पुरुष 650 करोड़ के खर्च करके 500 करोड़ भी कमा पाएगी, हु नोज। दोस्तों पूरी दुनिया से धमाकेदार ओपनिंग लेते हुए इस फिल्म ने 240 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने पहले दिन में कमाया था, जिसमें से इंडिया से सिर्फ 133 करोड़ की बिग ओपनिंग ली थी। इसी के साथ पहले 3 दिन में ही पूरी दुनिया से 500 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी और इंडिया से पहले 3 दिन में 320 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी। बात करें अगर कास्ट की तो दोस्तों जूनियर NTR और रामचरण के मेन लीड में बनने वाली RRR सपोर्टिंग कास्ट में आपको आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे दिग्गज स्टार के साथ इस फिल्म को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। बात करें दूसरी फिल्म आदि पुरुष की तो दोस्तों इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड क्रिटिसाइजेबल मूवी रही है, जिसको नेगेटिव रिव्यू बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। दोस्तों मानोगे नहीं, हद से ज्यादा बेकार रिव्यू के साथ ये फिल्म लगातार ट्रेंडिंग पर चल रही है। किसी को भी ये नई रामायण बोले तो ओम राउत की इस रामायण ने लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फालतू की दिखाई गई हैं मूवी में जो कि अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि रामायण के साथ छेड़छाड़ करना मतलब सीधा लोगों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना। दोस्तों कोई भी थिएटर जा रहा है बोर होकर ही आ रहा है, लोगों का कहना है कि फिल्में में सोशल मैसेज कुछ नहीं है, वैल्यूबल लेसन कुछ नहीं है, बस एंटरटेनमेंट के पर्पस से फाइट सीन का सिक्वल दिखा रखा है। लेकिन इस फिल्म की कमाई अगर आप लोगों को बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे पहले 3 दिन के। जिस हिसाब से फिल्म को क्रिटिसाइज करा जा रहा है, कोई भी नॉर्मल एक्टर की फिल्म 10 करोड़ तक का बिजनेस नहीं कर पाती अपने पहले दिन से ही अगर वो क्रिटिसाइज होती। लेकिन वही बात है ना, प्रभास और रामायण का नाम इस्तेमाल करके ये अपनी रोटी रोज सेंक रहे हैं और एक मोटी कमाई अपने 3 दिन में खूब करी है। जहाँ दोस्तों नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी मूवी ने पहले ही दिन पूरी दुनिया से 140 करोड़ का बिजनेस करने में सफल हुई थी। इंडिया से लगभग 87 करोड़ का कलेक्शन किया था अपने पहले दिन में और जबरदस्त रैंक करते हुए पहले 3 दिन में ही पूरी दुनिया से 340 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही। साथ ही इंडिया से पहले 3 दिन में ही 220 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही मूवी। जहाँ दोस्तों RRR के पहले 3 दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ही मैच कर पाई आदि पुरुष अपने पहले 3 दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, और लगातार अपने पहले 3 दिन तक लगातार कोशिश रही जैसे तैसे RRR को बीट डाउन कर जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ चौथे दिन से हर दिन आंकड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, मूवी को इतना क्रिटिसाइज कराया गया कि अब ग्रोथ ही पूरी तरीके से रुक गई है। शायद ही अपनी लागत 650 करोड़ निकाल पाए मूवी, जिस हिसाब से इसके चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसे देखकर साफ जाहिर होता है कि मूवी 500 करोड़ कमा ले यही बहुत है। दोस्तों आदि पुरुष को रामायण के कॉन्टेंट के साथ रिक्रिएट करके पब्लिक को नई तरीके से दिखाने की कोशिश करी थी जो बिल्कुल पसंद नहीं आया जनता को, और मूवी फ्लॉप होते दिख रही है। जी दोस्तों, प्रभास
के मेन लीड में बनने वाली आदि पुरुष, जिसमें सेकंड लीड में आपको कृति सुनन दिखेंगी, मेन विलेन में रावण के रूप में सैफ अली खान और लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह, हनुमान के रूप में देवदत्त नागे जैसे दिग्गज स्टार भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों दोनों फिल्मों के सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख दिए हैं, मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहला तो ये, अगर आपने दोनों फिल्में देख ली हैं तो आपको बेस्ट मूवी कौन सी लगी। दूसरा ये, क्या आदि पुरुष ट्रिपल आर की तरह 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर भी पाएगी या नहीं, या फिर ब्लॉकबस्टर ही हिट हो पाएगी या नहीं, कौन रक्षा जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।